हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, और इस सीरीज के अंदर आप लोगों को डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इन टारगेट्स को प्रोवाइड करने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको एक गाइडेंस मिलती रहे, आपको ये पता हो कि कब क्या पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, ताकि आप अपने इस दिल्ली पुलिस एग्जाम को क्रैक कर सकें। जैसा कि आप इस बात से भी भली भांति परिचित होंगे कि 1 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी तक हमारे इस प्लान का हिस्सा नहीं बना है, वो 30 अगस्त तक हमारे इस प्लान को ज्वाइन कर सकता है। 30 अगस्त जो है हमारे इस प्लान को ज्वाइन करने का आखिरी डेट है। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हमें इन टारगेट्स को करते हुए 14 दिन हो चुके हैं, और कल हमारे 15वां दिन है, और कल क्या है, 15 अगस्त भी है। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। उम्मीद है आप लोगों ने अपने कल के सभी टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो एक नजर मार लेते हैं कि कल के टास्क हमारे क्या थे। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, और मैंने आज आप लोगों को कहा था कि आज आप अपना पूरा दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट रिवाइज करेंगे, और कैसे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है ताकि पढ़ी हुई चीजें आपको याद रहे। तो उस वीडियो को कितने लोगों ने देख लिया है, एक बार कमेंट करके बताएं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का हमारा 3रा दिन था आज। उम्मीद है आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। रीजनिंग का मैंने आज आपको मॉक टेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं, रीजनिंग का मैंने टॉपिक पढ़ने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने वो टॉपिक कवर कर लिया होगा। करंट अफेयर्स आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते हैं, और PYQ मैंने बता दिए थे कहाँ से आपको पढ़ना है, ये मैं आपको ग्रुप पर बता देता हूँ। ग्रुप पर मैंने बुक भी सेंड कर रखी है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप हमारे साथ ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्रुप का नंबर है। इस ग्रुप पर आपको 200 रुपीज पे करने होंगे, और उसके बाद आपको ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि बताइए रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। जैसे आप जानते होंगे भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSC। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। ऐसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोस कॉस्मोस। क्या है? रोस कॉस्मोस। तो यही क्वेश्चन था कि बताइए रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो इसका जो सही जवाब था वो था रोस कॉस्मोस। क्या था? रोस्कोस्मोस जो है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। अभी इन्होंने क्या किया है, लूनर मिशन को लॉन्च किया है। जैसे भारत ने अपना एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, ऐसे ही रशिया ने भी अपने लूनर मिशन को लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट्स के अंदर देना है कि बताइए किस आर्टिकल के अंदर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन है अनुच्छेद 17, या ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बताइएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंदर अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं लो साउंड कर रहा हूँ, थोड़ा शायद आवाज भी मेरा उतना अच्छा ना हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी, और आप भली भांति इन टास्क को कवर करेंगे। सो कल से, यानी कि 15 अगस्त से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और इस सब्जेक्ट का नाम होगा ज्योग्राफी, भूगोल। और कल आप अपने बुक से, अगर आप लुसेंट प्रेफर कर रहे हैं तो लुसेंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करो, और उसके स्टार्टिंग के 7 पेज आप पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 7 पेज पढ़ने हैं दोनों साइडों को मिला के, यानी कि केवल 7 पेज। जैसे कॉपी का एक पेपर होता है, ये तो पहला पेज ये हो गया, इसके पीछे जो दूसरा पेज है वो दूसरा पेज, तो ऐसे मिला के केवल 7 पेज आपको ज्योग्राफी के पढ़ने हैं। ठीक है, लुसेंट पढ़ रहे हैं, मैं लुसेंट को प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप पढ़ते हुए भूल जाते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें,
तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा, क्योंकि कल से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का देखना जरूर बनता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो एक अलग ही अंदाज में आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आपको ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरी बात मानेगा, इस ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बात करें टाइम एंड वर्क की, कल इसका चौथा दिन है और सेकेंड लास्ट डे है। उम्मीद है कि आप आने वाले 2 दिनों के अंदर टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रीजनिंग का कल आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, 15 अगस्त को आपको रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लगाना है, और उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही साथ कमेंट करके बताओ आज आपने कौन सा टॉपिक कवर किया है, कमेंट करके बताइए कि आज आपने कौन सा टॉपिक कवर किया है। और आगे के 100 क्वेश्चन स्टैटिक जी के कहाँ से कब तक पढ़ने हैं वो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। करंट अफेयर्स आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। जो मैगजीन आप मंथली मैगजीन वगैरह फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करिए, लेकिन जो टारगेट्स आपको मैं दे रहा हूँ उन टारगेट्स को कंप्लीट जरूर कीजिए। इस ग्रुप का यही फायदा है। आप सोचिए और ध्यान से देखिए, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया अभी तक हमें सिर्फ 15 दिन हुए हैं, और इन 15 दिनों में हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, और हमारा क्या हुआ, परसेंटेज कंप्लीट हो गया। हमने कम से कम रीजनिंग के 8 से 9 मॉक टेस्ट लगाए हैं। जो टॉपिक तुम्हारे गलत थे उन टॉपिक को तुमने कवर किया है। यही होता है स्मार्ट वर्क, और आपको मालूम भी नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जब तक स्टूडेंट फॉर्म निकलेंगे, जब तक स्टूडेंट सोचना शुरू करेंगे कि उन लोगों को पढ़ना चाहिए, जब 1 सितंबर के बाद वो थोड़ा एक्टिव होंगे, तब तक आप लगभग आधा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ये डिफरेंस आएगा आप में और इनमें। करेंगे वो भी तैयारी, लेकिन आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। इसीलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। 30 अगस्त तक कोई भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहता है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां से इस नंबर को ले सकते हैं। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके 200 रुपीज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको गाइड किया जाएगा, जहां पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और चीज है, कुछ स्टूडेंट मुझे कॉल करने की कोशिश करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम 60 से 70 कॉल आ जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, और ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम होता है और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझेंगे। मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में नई चीजों के साथ, नए टारगेट्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।